ठीक हो गया ना, कोई कमी रह रही ऐसे मत करो। रविवार शाम तो बने मैं थोड़ी देर शांत रहेगा वीडियो बना किसी की वीडियो बनाएगी रे और किसका सारा लगा आप किसी का। सभी साथियों को रक्षकारा की तरफ से हमारे समस्त भाईचारे की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। हाल फिलहाल खड़े हैं बिल्कुल बस स्टैंड के सामने गंदे नाले पर और आप सभी साथियों को बता देता हूं ज्यादातर यहां जितने भी हैं गरीब वे आदमी रहे हैं जो झुग्गी झोपड़िया में रहने वाले हैं। चारों तरफ आप देखोगे इनके मकान इस टाइम पर पीला पंजा चल गया, गिरा दिए गए हैं। और आप सभी साथियों को बता देते आज ईद है। सबसे पहले तो मेरे हिंदुस्तान की जितनी भी जनता जितनी भी आवाम है सबको हमारी समस्त भाईचारे की तरफ से टीम की तरफ से ईद की मुबारकबाद। और आप सभी साथियों को इतना बता देते हैं ईद हो होली हो दिवाली हो हमारे लिए सब त्यौहार एक समान है। हम कोशिश करते हैं हर त्यौहार पर कुछ न कुछ अच्छा कार्य करें, कुछ न कुछ अच्छा आप लोगों के बीच में करके दिखाएं। आज एक ऐसी जरूरतमंद बेटी की मदद करने के लिए आए हैं, मकान में भीतर की तो बैठने की जगह नहीं है, हमने तो न्यू भी नहीं बिरा रहे हैं, किस रिस्क पे है किसी भी टाइम ये इनके ऊपर पड़ सके ये टीन टैन आज से ज्यादा पौधा जोगाड़ आप ये देख लो। इससे घर में बारात आनी है जिनको खुद रहने की जगह नहीं उनकी गरीबी का क्या आलम होगा। हमारे साथ में बहन खड़ी है जिनके पति सौरग सिद्ध हार गए हैं, इनका जो लड़का है उसका कोई अता पता नहीं है। एक गुड़िया है जिसकी शादी के लिए यहाँ पर हमारा संपूर्ण भाईचारा पहुंचा है। हम सब ने मिलकर और सोशल मीडिया पे जितने जो भी हमारे दानवीर साथी हैं आप सभी के सहयोग के कारण इस बेटी के लिए 31,000 रुपये नगद का कन्यादान, एक डबल बेड, एक संदूक, एक अलमारी, एक सिलाई मशीन, 51 बर्तन, एक गैस चूल्हा, ये सारे के सारे सामान इनके पास पहुंचा दिए गए हैं जो जरूरत का सामान है। आप सभी साथियों को बता देते हैं मेरी बड़ी बहन गीता अहलावत हमेशा की तरह कहीं भी प्रोग्राम हो उसको छोड़ गए मेरी भाणा ने लेकर सबसे आगे पहुंचे है। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ सुरेंद्र दैया हमारे भाई साहब गांव बिदलान से हरियाणा पुलिस में जॉब करते हैं, अपनी जॉब पूरी करके यही सोनीपत में ये जॉब कर रहे हैं, उसको पूरी करके साथ के साथ समाज सेवा का ये फर्ज निभाते हैं। साथ में धम्मल फौजी बड़े भाई साहब जिनका आज रेस्ट जो हरियाणा पुलिस में ही कार्य करते हैं, आज मेरे दोनों भाई दोनों मूर्तियां एक साथ दोनों फौज से रिटायर हैं हरियाणा पुलिस में जॉब कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये जो देश सेवा कर जो इन लोगों ने हमारे को सिखाया है उससे हमारे अंदर भी समाज के अंदर भी जागरूकता आती है। आप सभी साथियों को बता देते हैं इस बेटी के पास शायद मेरे हिसाब से कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि इसे गरीब जो घर परिवार हो जाए वे कहते गिरवी रखे किस पर मदद मांगे जय ढूंढने की तो टेकन लग जाते मेरे हिसाब से को 10,000 रुपये नहीं दे। और आप सब वो साथी हो जिनके सहयोग के कारण ये ऐसी ऐसी मदद और ऐसे ऐसे गरीबा का हौसला बढ़ पावे है ना। तो सच्चाई तो ये है इन गरीबा की कुटिया में सुख हो या दुख हो गरीब के द्वार पर कोई भी नेता कोई भी मंत्री एक वोट मांगने तो आ जाता होगा उस तेनारा कहते मुड़कर नहीं लखाती। अरे समाज ना खोलनी पड़ेगी क्योंकि आप सभी साथियों को बता देता हूँ समाज ही समाज के काम आता है। और गांव में एक कहावत भी होया करती कदे जो बड़े बुजुर्ग उनते हमने सुनी थी बेटी तो गांव राम की साज लियो है। ये परंपरा हमारे बुजुर्गों से चलती आ रही है। कभी ये सोचते हो शिकारा कुछ नया कर रहा आप लोगों से सीखा आप लोगों को ही सिखा रहे हैं दोबारा से। आप ही सोशल मीडिया का फायदा उठा कर कोई अच्छा काम भी कर सकते हो। और जो दानवीर साथियों की जितनी लंबी लिस्ट है उन सभी दानवीर साथियों का दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। इससे पहले एक बेटी की जो पोस्ट डाली थी उसकी शादी उसकी जिम्मेदारी उनके रिश्तेदारों ने उठ ली, उसकी जगह जो भी आप लोगों ने दान दिया वो इस बेटी की शादी में लगा दिया गया है ताकि खाना पीना ही आराम से 50 आदमियों का कर सकें और समय तो अपनी बेटी ना हसी हसी विदा कर सकें। आप सभी साथियों को इतना ही कहूंगा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा फोन नंबर 8 39 88 88 901 है, इससे अलग हमारा कोई नंबर नहीं है। फोन पे गूगल पे भी इससे पे कॉलिंग नंबर भी यो है व्हाट्सअप नंबर भी यो है। और आप सभी साथियों को एक बात और कहूंगा एक लोती टीम है जिसने इस चीज की शुरुआत करी थी और जो आज भी इन चीजों पे कायम है शुरू से लेकर आज तक हमारे में कोई बदलाव नहीं आया होगा। अगर आप लोगों को हमारे काम अच्छे लगते हैं तो आप सभी को इतना ही कहूंगा अच्छे कामों को बहुत कम सपोर्ट करते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को शेयर करके आगे से आगे समाज को जागरूक करने का काम करो। और थारे गांव में राम में जड़े जो नेता मंत्री आ उनते एक बात पूछो तने तेरे हल्के में कितनी छोरी ब्याई है, तने तेरे शहर में कितनी छोरी ब्याई है, तने आज तक कितने गरीबा का भला कराया है,
उसके काम बूझ को उसको वोट देना, कभी उसका चेहरा देख को उसको वोट दो। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और एक दानवीर साथी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नई मदद में, तब तक के लिए सभी साथियों को राम राम। एक बार फिर से हिंदुस्तान की आवाम को ईद की ढेरों शुभकामनाएं। ठीक है मेरी बेबे उस